मेरी कोख के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा। लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी। इससे पहले वो राक्षस आ जाए आप जल्दी से खा लीजिए। देखिए सरस्वती जी, जो शरबत आप पीने जा रही थी। लेकिन मैं एक जानवर के नहीं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हो। हाँ तो बच्चों, जो मैंने चार लाइन माँ के बारे में लिखने को बोली थी वो तुम लोगों ने लिखी। शाबाश। राजू तुमने लिखा कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लिखा कि नहीं? इधर आओ। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे क्लास में क्या सोता रहता है? बोल जवाब दे। तू ऐसे नहीं बोलेगा, ये बैत तुझसे बुलवाएगी। हाथ खोल। मास्टर जी से मत मारिए। ये माँ के बारे में कैसे लिखेगा कि तो माँ ही नहीं है। हेलो, दिल्ली से फोन है। दिल्ली से? एक मिनट साहब, आपका दिल्ली से टेलीफोन है। हेलो, हाँ मैं प्रेम बोल रहा हूँ। कौन? श्रीवास्तव। रामू काका। हाँ बेटा। पापा किससे बात कर रहे हैं? दिल्ली में किसी से बात कर रहे हैं बेटा? दिल्ली में? दिल्ली तो बहुत दूर है। अरे बेटा आजकल दिल्ली तो क्या, आसमान में भी कोई हो तो उससे भी बात की जा सकती है। बादलों के भी ऊपर? बिल्कुल। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो राजू बेटा, बुआ धो लो, खाना खाते। टेलीफोन एक्सचेंज। मुझे भगवान के घर का नंबर चाहिए। क्या? कहाँ का नंबर? भगवान के घर का नंबर। मुझे अपनी माँ से बात करनी है। क्या तुम्हारी माँ भगवान के पास है? हाँ, वो मेरे पैदा होते ही भगवान के घर चली गई थी। उनसे कहो ना, उनके राजू का फोन है। एक मिनट नीता। हुँ? कोई लड़के का फोन है, वो भगवान का नंबर मांग रहा है, अपनी माँ से बात करना चाहता है। तू उससे बात कर लेना, बेचारे का दिल बहल जाएगा। जाना यार, क्यों बोर कर रही है? प्लीज मेरी खातिर दो मिनट बात कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा। ठीक है दे। लो बेटा अपनी माँ से बात करो। हेलो माँ। माँ माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ माँ, तुम्हारा राजू। जानती हूँ बेटा, मैं भला अपने राजू को नहीं पहचानूंगी। तू मुझे पहचान गई माँ। माँ तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुम भगवान से छुट्टी लेके मेरे पास आ जाओ माँ, तुम आ जाओ। मैं नहीं आ सकती बेटे, मेरी मजबूरी है। क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती माँ? करती हूँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर क्यों नहीं आ सकती? क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ? लो मैं कार पकड़ता हूँ, अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा, तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। लेकिन राजू बेटा मैं आज ना मत करना माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना। देखो माँ मैं साफ साफ कह देता हूँ, परसों मेरा जन्मदिन है, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और अपनी जान दे दूंगा। नहीं राजू बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो फिर वादा करो कि तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आओगी। आओगी ना माँ? आऊंगी बेटे। देखो माँ भूलना नहीं, जब तक तुम नहीं आओगी मैं केक नहीं काटूंगा। तेरे जन्मदिन पे तेरी माँ जरूर आएगी बेटे, जरूर आएगी। अच्छा माँ। बाबूजी, बाबूजी माँ आ रही है, मैंने अभी उनसे बात की, वो बोली मेरे जन्मदिन पर जरूर आएगी। तेरी माँ जरूर आएगी बेटे, तेरे जन्मदिन पे तेरी माँ जरूर आएगी।
हे राजू जल्दी के काटना यार, बहुत भूख लगी है। अभी नहीं, माँ के आने के बाद। माँ के आने के बाद? अरे कोई भगवान के घर से वापस आता है क्या? मेरी माँ जरूर आएगी, उसने खुद मुझसे कहा है। ये लो, इसने तो माँ से भी बात कर ली। लगता है कोई तुम्हारी माँ का भूत होगा। मेरी माँ को भूत बोलता मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे लाइट चली गई। ये लाइट को क्या हुआ? राजू हमेशा की तरह बाबूजी ने आज भी झूठ बोला। आज भी मेरी माँ को नहीं लेकर आए। लक्ष्मी, वो तू देख रही है ना? हाँ तो, मैं भी वही देख रही हूँ। मेरा नाम तोतारा, तोतारा, तोतारा। ये लीजिए दवा, वक्त पे पी लीजिएगा, याद से। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मेरी बहना, मेरा प्यारा गहना, तू हमें छोड़कर क्यों चली आई? मैं ना बती की कसम, जब से तेरी ढोली उठी मुझे लगा मेरी अंती क्यों नहीं उठ गई। क्या बताऊँ, इतना रोए लगा जैसे म्युनिसिपैलिटी का गटर फट गया हो। म्युनिसिपैलिटी का गटर नहीं, पानी का पाइप। अरे एक ही बात है प्रिया जी, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रोइए मत तोतारा जी, आप चाहे तो खुशी से हमारे साथ रह सकते हैं। लक्ष्मी तुम इसको अंदर ले जाओ, मैं जरा कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। धन्य है जीजा जी, जीजा जी धन्य है, जीजा जी धन्य है। जीजा जी तो बड़े सीधे लगते हैं मेरी प्यारी बहना, लेकिन अभी तक ये बंगला जमीन जायदाद सब अपने नाम करवाया कि नहीं? तुम फिक्र मत करो भैया, कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा। पहला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये वसीयत है कि तुमने ये वसीयत। ऐसा क्या हुआ इस वसीयत में? अरे मैनावती, इस वसीयत में है मेरी बहना का दुर्भाग्य। हमने तो अपनी बहना की शादी प्रेम बाबू जैसे विदुर से इसलिए रचाई थी ताकि उनकी जायदाद पर अपना हक जमा ले, लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा। प्रेम बाबू निकले बिल्कुल निकम्मे, वो तो सिर्फ इस जायदाद की देखभाल के लिए है, इस पर उनका कोई हक नहीं है। पूरी चुड़ैल निकली राजू की माँ, मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई। हे राम, सत्यानाश हो गया? सत्यानाश नहीं मैनावती, सारा सत्यानाश। उस चुड़ैल ने वसीयत में ये भी लिखवा दिया है कि जब तक राजू की शादी नहीं हो जाती और शादी के बाद राजू की बीवी की रजामंदी नहीं होती, राजू अगर चाहे भी तो जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकता। अरे हमारा तो ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा जो बहना के कोख में पल रहा है? उसे तो उसका हक मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, मेरी कोख के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा। देखना भैया, मैं राजू को अपने बस में इस तरह करूंगी कि आज के बाद वो जागेगा तो माँ कहेगा, सोएगा तो माँ कहेगा, जिएगा तो माँ कहेगा और मरेगा तब भी माँ कहेगा। कितने मन गेहूं बेचे मुनीम जी? 16 मन माजी। ठीक है, लौटते वक्त वसूली करते आइएगा। जी माजी। बेटे तुझे मालूम है ये मुनीम कितना पढ़ा लिखा है? बहुत पढ़ा लिखा है माँ, ये अंग्रेजी भी बोलता है। तो फिर हमारे सामने झुककर हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं वो दूसरों का आदर करते हैं। नहीं बेटा, इसलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और ये पैसा तेरे पिताजी ने खेतों में काम करके कमाया है। लेकिन माँ आदमी पढ़ लिखकर ही तो। नहीं बेटे, मैं तुझे समझाती हूँ, आ मेरे साथ। जी यार। देख जी। सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांधे खड़े हैं। वो जो काले कोट वाला है ना, वो वकील है। वो जो सफारी में है, वो तहसीलदार है।
बाकी सब भी पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख कर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बेटे। मुझे नौकर नहीं बनना है माँ, मैं मालिक बनूंगा। मालिक बनना है तो खेतों में काम कर, क्योंकि असली खजाना किताबों में नहीं जमीन में छुपा है बेटा। मैं खेत में काम करूंगा। शाबाश बेटा, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है, ला मैं फेंक देती हूँ। इसी नहीं माँ, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, तुम कहती है तो मैं इसे फाड़ डालता हूँ। देख बेटा, ये हमारी जमीन का वो हिस्सा है जो बरसों से बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ अनाज तो क्या, घास का एक तिनका भी पैदा नहीं हुआ। तुझे अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना होगा। ये क्या कर रही हैं आप, इस ननी से जान पे इतना बड़ा बोझ डाल रही हैं। जिस जगह पे हट्टे कट्टे नौजवान एक घास का तिनका नहीं उगा सके, उस बंजर जमीन को ये बच्चा क्या उपजाऊ बनाएगा। तो बंजर जमीन थी, अगर तूने कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता। माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने। बैग में जब पत्थर भरे हैं। अरे अरे, ये इतने में थक गए? चकी बैग उठा के ला रहा हूँ। लगता है रमेश भैया हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। मर गया। अरे पांडू, ये क्या बीवी के साथ गुजर बुजर कर रहा है, घर में वक्त नहीं मिलता क्या? सामान रख दिया ठीक से? वही तो कर रहा हूँ। Hey, you don't shout on me. आया? I can walk with you. Okay. चलो ठीक से टिक्की बंद कर दो, कोई चीज ना रह जाए। नमस्ते दीदी। चल रमेश जल्दी कर, देर हो रही है। ठीक से जाना मामा, ठीक से। तुम लोगों की बहुत याद आएगी, मेरी याद साथ में ले जाना। बाय 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 बाय। अरे मैं क्या शैतान हूँ, ये मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? अगर आप शैतान होते तो नहीं चिल्लाती, लेकिन नंगे से तो नारायण भी घबरता है। नंगा? तुमने तो कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन आपने कहाँ पहने? हाँ घमके ले लो। इस तरह से गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? हटो सामने से, हमें देर हो रही है। हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी, जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई। तू किस जमीन की बात कर रहा है? वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। झूठ बोल रही हो तुम, वो जमीन हमारे पुरखों की है, और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। कमीने, मुझको धमकाता है, तुझसे जो बन पड़ता है कटे। तुझ जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और अभी तक राजू नहीं आया। माँ, कहाँ रह गया था बेटा? माँ वो चंदू हलवाई से रमेश के लिए बादाम का हलवा बनवा रहा था ना, इसी में देर हो गई। अच्छा। अरे चल रमेश, गाड़ी में बैठ, गाड़ी चल पड़ी। अरे रुक रुक रुक, माँ के पहुंच चुके। जीते रहो, चल चल चल, ये तो गाड़ी पहुंच गई। अच्छा बेटा। अरे 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 रमेश, ये हलवा तो मैं तुझे देने ही भूल गया। इसे रोज दूध के साथ खाना, इससे दिमाग बहुत तेज होता है। और देख,
ये तेरा आखिरी साल है, खूब मन लगा के पढ़ना। माँ का सपना है कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बने और ये सपना तुझे पूरा करना है, समझ गए ना रमेश? अपना ख्याल है भैया, तुम जाओ, पहुंचते ही खबर देना। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो वरना मुझे धमकी देता है, है। मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ को, मेरी माँ को। मेरी माँ को गाली दी, खून पी गया हुआ। मेरी माँ को गाली देता है, मेरी माँ को गाली देता है। अरे ये कोई इंसाफ है? तिवारी अपना हक मांग रहा था तो उसकी जान लेने पर तुल गया। अजी उसे क्या मालूम सही क्या और गलत क्या है, वो तो बस अपनी माँ के प्यार में अंधा है। जाने क्या मंत्र मार रखा है इस कमबख्त ने, बेटा सौतेला है मगर सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है, एकदम पागल बना रखा है। राजू तो खैर सौतेला है, इसने तो अपने पति तक को पागल बनाकर कमरे में बंद कर दिया है। इससे पहले वो राक्षस आ जाए, आप जल्दी से खा लीजिए। भूख मेरे पेट में नहीं, मेरे सीने में है पांडु। पेट तो जानवर भी रूख सूखा खाकर भर लेता है, लेकिन मैं एक जानवर की नहीं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं इस नरक से निकलना चाहता हूं, या मेरा दम घुटता है पांडु, या मेरा दम घुटता है। हौसला रखिए बाबू जी, हौसला रखिए। एक बात पूछो, आप और इस काल कोठरी में कुछ समझ में नहीं आता। 20 साल पहले की बात है, जब मैं राजू के लिए इस घर में एक मां लेकर आया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद राजू के नाम है, तो उसने राजू को अपने वश में करने के लिए उसे पढ़ने लिखने ले दिया, और इस बात का मुझे पता चला तो स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगा। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मासूम बच्चे को मारिए मत, मैंने मालकिन से भी कई दफा कहा लेकिन उन्होंने भी कुछ। क्या? लक्ष्मी ये सब जानती है? लक्ष्मी? फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर साजिश की। लक्ष्मी! और जीजा जी के होश में आते ही उनको एक खुराक और पिला देना। जी। लक्ष्मी मेरा सर चकरा रहा है।
आप ये दवा पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये दवा नहीं पीऊंगा मैं ये दवा नहीं पीऊंगा। मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मुझे ऐसी दवा पिला दी जिससे कुछ देर के लिए मैं अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा और रस्सी को भी सांप समझने लगा। मैं समझ गया कि ये सारी साजिश मेरी पत्नी की है। वो मेरे खिलाफ भड़काने के बाद मेरे मासूम राजू को भी मुझसे छीनना चाहती है। मैं समझ में तुझे छोड़ दूंगा, बस तेरी जान ले। अरे मेरे भांजे को मार दिया, अरे मेरे भांजे को मार दिया, अरे मेरे भांजे। और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार दे दिया गया। सारी दुनिया मुझे पागल समझती है, इस बात का मुझे गम नहीं। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा अपना खून, मेरा राजू भी मुझे पागल समझता है। हम जानते हैं बाबूजी, आपको कुछ नहीं हुआ और एक न एक दिन राजू भैया को भी असली बात का पता चल जाएगा। आइए बाबूजी, पलटिए, आप खाना खा लीजिए। लीजिए ना बाबूजी। याद रखना, धक्के मारकर घर से नौकरी से निकाल दूंगी तुझे। अब खड़ा खड़ा मेरी मुर्गी को क्या देख रहा है, चल भाग, निकल निकल। हीरा जी, अच्छा खाना खाओगी? मुर्गी खाओगी? ये ले बाजरे की रोटी और प्याज, खा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खा 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 खा। राजू राजू आया माँ। क्या है माँ? राम प्रसाद जी के बेटे की शादी का कार्ड आया है, हम दोनों को बुलाया है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा, तुम चले जाना ना। अरे बेटा, वो अपने नजदीक के रिश्तेदार हैं, नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, कब जाना है? बस कल सुबह तक पहुँचना है। कल सुबह तक? हाँ। दुपट्टा उस आदमी के पास है, वो लेकर आ। अच्छा दीदी। ये लो दीदी। चलो। सपना देख रहा था। ये राजू कहाँ रह गया? अरे जवान लड़का है, यहाँ वहाँ कहीं टहल रहा होगा। ये लो, वो आ गया। नमस्ते। कहाँ रह गया था तू? माँ वो मैं। अब वो छोड़, चल बैठ बच्चों के पास। मुहूर्त का समय हो गया, कन्या को बुलाइए। बस आई ही समझ लीजिए पंडित जी, दो मिनट। राजू। हाँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो हिचकी आ गई। चल बैठ जा। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वम भजा।
राजू क्या माँ? अरे आप कहाँ जा रहा है तू? माँ वो हिचकी। क्या हो रहा है तुझे? पानी। ठीक है जा पानी पी जा जल्दी। आपके दांत बहुत अच्छे हैं। आप बंदर छाप दंत मंजन इस्तेमाल करती है ना? मैं भी वही करता हूँ। ये देखिए। बहन जी शरबत पीजिए। ना, इसे मत पीजिएगा। अरे भाई तुम इसे ले जाओ। रुक जाओ, क्यों ना पियूं? मुझे प्यास लगी है। अरे, देखिए भलाई इसी में कि आप ये शरबत ना पिए। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे शरबत पीने से क्यों रोका? देखिए वो आपका नाम क्या है? सरस्वती। नाम कुमार गोली। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। देखिए सरस्वती जी, जो शरबत आप पीने जा रही थी उसमें बर्फ मिली हुई थी, बर्फ। अगर आप वो बर्फ वाला शरबत पी लेती तो आपको थोड़ी देर में छींक आ जाती, खांसी शुरू हो जाती, बुखार हो जाता, दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगता और बुखार आपको धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेता और फिर आपको निमोनिया हो जाता। और अगर आपको निमोनिया हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना? आपकी सहेली तो नाराज होकर चली गई। उन्हें मनाने का एक ही तरीका है। वो क्या? सरस्वती को गुलाब बहुत पसंद है। गुलाब? लेकिन गुलाब यहाँ। वो जो सामने मोटी बैठी है ना, उसके जूड़े से गुलाब का फूल निकालकर सरस्वती को दे दो, बस खुश हो जाएगी। अच्छा? हाँ। सरस्वती वो देख। अब जाएगा। जी हम तो गुलाब लेने गए थे, यहाँ तो गुलदस्ता ही हाथ में आ गया। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैंने जो 3 लाख रुपए का वादा किया था वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब 2 लाख रुपए मैं और कहाँ से लाऊं? देखो आपने वादा किया था, तब से आज तक सब चीजों के भाव दुगने हो गए, तो मैंने अपने बेटे का भी भाव बढ़ा दिया। अब तो 5 लाख मिलेंगे तो ये शादी होगी, वरना मैं तो ये चला अपने बच्चों को लेकर। लेकिन रामप्रसाद जी जरा इधर आइए, तुम भी इधर आ जाओ बच्चों। देखिए रामप्रसाद जी, बात ये है कि मैं आपकी शुभचिंतक हूँ और आपको सही सलाह देना मेरा कर्तव्य है। आजकल सरकार दहेज मांगने वालों के खिलाफ बहुत सख्त हो गई है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो पुलिस आपके सर पर 10 जूते मारेगी। अच्छा? और उसके बाद तुम्हारे बाल पकड़ कर घसीटते हुए मंडप से बाहर ले जाएगी। अच्छा? और उसके बाद 3 साल कैद बामुशक्कत और रोज जेल में 2 मन आटा पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। बापू मैं आटा नहीं पीसूंगा। मैं भी नहीं पीसूंगा, तो जा जाके बैठ जा मेरी पे। पंडित जी मैं आ गया, मंत्र शुरू कीजिए। अच्छा बदी प्रसाद जी हम चलते हैं। आपने शादी में आकर हमारा मान बढ़ा दिया, ये तो हमारा फर्ज था। नमस्ते। अच्छा भाई साहब, सरस्वती जी कहाँ मिलेंगी? क्यों? उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, वो देने आया हूँ। ये तस्वीर आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। आप कौन? मैं उनका वो। वो तो ये लो। चल राजू बेटा देरी हो रही है। चलो माँ। Ha ha ha.
गई और तू कहाँ से आ गया? दो घंटे से उठक बैठक करवा रहे हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ से आ गया? अच्छा हुआ मैंने तुझे वक्त पर रोक लिया, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती अपना रहता। अरे इतना मजेदार सपना देख रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया गधा कहीं का। सपना? अरे राजू भैया, राजू भैया बताओ ना कौन है कि सपने में? सरस्वती नाम है उसका, गंगापुर की रहने वाली है। और तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? घबराओ मत राजू भैया, ये हनुमान तुम्हें वचन देता है कल ही सीता और राम का मिलन करवा के ही रहेगा। 200 रुपए दो ना। अरे 200 रुपए क्या, तू 400 रुपए ले ले, मगर मेरी उससे मुलाकात करवा दे। घबराओ मत, मुलाकात हो गई समझो। चोर कहीं का, हफ्ता दिए बिना चोरी करता है। चलो अरे चल। भगवान तेरा भला करे बाबा, ले थैंक यू बाबा। ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक मिली नहीं। एक काम करते पांडे, तू उस तरफ ढूंढ, मैं इस तरफ ढूंढ। अच्छा राजू भैया। क्या हुआ सुल्ताना, क्या हुआ? खान साहब, एक मवाली मुझे छेड़ के भाग गया। छेड़ा? तुमको छेड़ा? राहुल बिला कुवत। ये क्या देख रहे? ये देखो, ये मेरे में एक ही लड़की अच्छी नहीं। ये ठीक है, ये दे दो। भाभी दूसरी बार में पहली बार ही छेड़ा है। पहली बार? अबे आखिरी बार छेड़ा है। चेयर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। असली है क्या? असली है। देखो कौन आया, भागो भागो। मजाक उड़ाता, मारते जो है। राजू है, राजू, राजू है, राजू है। क्या हुआ, मिली कि नहीं? मिली थी, मुझे मेरी मौत मिली थी। मौत तो तुझे अब मिलेगी। अरे पैसे इतने के लिए तूने झूठ बोला था ना कि मेले में मिलेगी। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू भी याद रखेगा। मेरी बात तो सुनो राजू भैया। और क्या हुआ? हमें भी तो बताओ क्या मिल गई? अरे वही कांट का उल्लू है जो हाथ धोकर शादी में मेरे पीछे पड़ गया था। इससे पहले कि ये दोबारा पीछे पड़ जाए, चल यहाँ से भाग चलते। अरे मिल गई। अरे भाई बताओ तो सही, आखिर क्या मिल गई? अरे इनकी दिलरुबा मिल गई, महबूबा मिल गई। हम भी तो देखे कहाँ है वो। अरे हो रही। अरे ऐसा कैसा हो गया? मेरी भाभी अभी तो अच्छी थी, शादी के पहले गदी हो गई। अब मेरे राजू भैया को भी गदा होना पड़ेगा। उल्लू बेवकूफ, ये तेरी भाभी नहीं है। यही भाभी है। अबे नहीं है, अभी अभी दो पाँव पड़ गए। चल भाभी, मैं आ रहा हूँ भाभी। वो बड़ा चक्कर देखा, चल उस पर बैठते हैं, बड़ा मजा आएगा। ओ देखकर नहीं चल सकता मेरी डार्लिंग। अरे बुढ़ा ये, ए बुढ़े, पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, चुम्मा लेगा? चुम्मा दांतों से थोड़ी लिया जाता है, चुम्मा तो। हर के बुढ़े, मैं तेरे से चुम्मा मांगती हूँ ना, मेरे को बोलता है मुंह में दांत नहीं है, और यहाँ पराई औरतों का चुम्मा लेने के लिए आया है, हैं? चल तुझे ऐसे चुम्मे दूंगी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा, समझ में आया ना? चल घर चल, ये है ना चौकटा, चौक ठीक कर दूंगी, चल। तेरे पागलपन की वजह से वो हमारे हाथों से निकल गए। पागल तो तू भी हो गया था राजू भैया। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब ढूंढेंगे कहाँ उसे? ढूंढेंगे। सिर्फ 2 रुपए। आइडिया राजू भैया, तुम्हारे पास कितने पैसे? क्यों? तुम्हें क्या करना है बोला, कितने पैसे? 5000 रुपए। 5000? अबे हट हट हट, जवान हो जाएगा। अबे हट हट, सुनिए भाई और सुनिए, एक विशेष सूचना, मेहमानों, कदरदानों, मेजबान, सुनिए, ये लड़की मेले में गुम हो गई है। मेरे भाइयों जरा इसे गौर से देखो, देखो गौर से देखो। जो कोई इस लड़की को ढूंढ के देगा उसे 5000 का इनाम मिलेगा। 5000? मैं लड़की ढूंढता हूँ। 5000? चलो।
कहाँ गई ये 5,000 वाली चिड़िया भगवान के नाम पर? कहाँ गई ये 5,000 वाली चिड़िया अल्लाह के नाम पर? ये कहाँ चली? देर तू बैठ, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जाती हूँ। अरे मिली, अरे मिली, मिल गई। माफ करना बाबा, आपको लगे तो नहीं? अरे अरे भाई, कोई तेल वाली दुकान तक मुझे पहुँचा दे। मैं पहुँचा देती हूँ बाबा। अरे जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। जीती रहो बेटी। कितना बजे है? 11:30। भगवान जी रो बलो करे, अल्लाह ते रो बलो करे, इसका बच्चा अल्लाह ते रो मेरा बीवी के पास करा रहे थे। जाओ इधर से, चलो इधर से। भगवान आइए ना। चलो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बड़ी अच्छी बेटी है भगवान, तुम्हें जिंदगी भर सुखी। बेटी बेटी छोड़ दे मुझे आकर, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटी छोड़ दे मुझे, भगवान तुम्हारा भला करे। खान साहब, वो देखिए खान साहब, का बच्चा खान साहब, इधर जाती मेरा बीवी को भगा, मेरा बीवी को जाती, मैं तेरा बोझी बनेगा। भैया ये कितने की है? 2 रुपए का एक। अच्छा। अरे ये लड़कियों 5,000 वाली। मैं आपके कुछ मदद नहीं कर सकता। जाइए। ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है, 5,000 वाली। मदद कर सकता हूँ। अरे क्या करते हैं, देखते नहीं मामला फिट हो गया। मेरे हटो हटो, मैंने इसे हथ कड़ी पहनाई है। तो इन सबको मेरे पीछे तुमने लगा रखा है, आखिर तुम चाहते क्या हो? कहते हुए शर्म आती है। शर्म आती है और बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हो, आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? कहने वाले इसे जन्म जन्म का रिश्ता कहते हैं। जन्म जन्म का, जन्म जन्म का रिश्ता, और वो भी तुमसे। अपनी शक्ल देखी आईने में, लंगूर कहीं का। खबरदार, खोलो इसे, खबर करो, जल्दी खोलो। अरे खोलता हूँ। आया बड़ा राजकुमार बनने। अजीब लड़की है, भाभी नाराज हो गई। राणा, भैरव सिंह राणा नाम है मेरा। जो हमारी शक्ल एक बार देख ले वो 7 चरण तक नहीं भूल सकता। मैं वही हूं जिसे तेरे बाप के गवाही देने पर 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई थी। यह क्या था, मैंने एक लड़की की इज्जत ही तो लूटी थी बस, और आज सबके सामने मैं तेरी इज्जत उतारूंगा।
इस गधे के साथ शादी करवा दो ताकि ये गांव की किसी लड़की को आग उठा के ना देख सके। जल्दी करवा दो, करवा दो। शाम होने वाली है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। पांडू, पाजी से कहना कि मैं घर देर से पहुँचूंगा। अच्छा राजू भैया, चलो सरस्वती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।